पगड़ी बन के तैयार है ड्रेस के मैचिंग का। आप लोग भी इस तरह से बनाइए, मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सिटी जोम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए पगड़ी। तो ये है चूड़ी के बॉक्स वाला जो डब्बा रहता है, ये वही डब्बा है। इसको लंबा काट लीजिए, 4.5 इंच इस साइड से ही काटिए, 4.5, और इधर से काटिए इसको, ये आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ये बढ़ा के, आधा इंच भी काट सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ये आधा इंच से 1 पॉइंट बढ़ा के और 4.5 इंच लंबा इसको कट कर लीजिए। आप इसके जगह पे बुकरम का भी पीस ले सकते हैं और इसको इस तरह से का गोल से बनाते हुए यहाँ से चिपका लीजिए। अब इसको थोड़ा सा सुखा लीजिए। अब ये लीजिए एक बुकरम का पीस और इस पर इसको चिपका लीजिए, चिपका के इसको सुखा लीजिए, फिर साइड से पूरा काट के हटा देंगे इस तरह से। इस तरह से इसको सटाते हुए काट लीजिए। अब इसको कवर करने के लिए आप चाहें तो मैचिंग का भी बना सकते हैं या फिर गोल्डन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसका चौड़ा सा पट्टी काट के और इसको कवर कर लेंगे इस तरह से, इसको चिपका के ही लगाएंगे। इस तरह से इसको चिपकाइए। अब इस तरह से इसमें कट लगाइए 2-3 जगह और इसको अंदर करके चिपका लेंगे, अंदर फेविकोल डाल के और इसको अंदर चिपकाएंगे। ये इस तरह से इसमें कपड़ा लग गया है और इसको ऊपर से भी कवर करेंगे। ये भी सूखेगा तो इसको काट लेंगे। अब ये एक कपड़ा का पीस है, ये चौड़ाई है इसका 1.5 इंच और लंबाई है इसका 3 इंच, और इसको फेविकॉल से इस बुकरम के पीस पे चिपका लीजिए। अब ये कपड़ा चिपक गया है, कपड़ा के एक साइड लेस चिपका लीजिए इस तरह से। इसको सुखा के और पूरा बुकरम पर से काट लीजिए। अब इस वाले पीस के प्लेट्स बनाइए इस तरह से। पतला पतला इसका बनाइए। अब ये इस तरह से जमा करके और इसको टांक लीजिए सुई से।
और इस तरह से इसको पूरा बांध दीजिए टाइट से। ये इस तरह से बन गया है और ये भी सूख गया है टोपी, ये इसका कपड़ा काट लीजिए। अब ये टोपी को किसी भी साइड से लीजिए और इस तरह से इसको चिपकाएंगे। थोड़ा सा इसको सूखने में टाइम लगेगा, इसमें फेविकॉल लगा के और पकड़ के थोड़ा देर रखिए, फिर ये चिपक जाएगा। इस तरह से ये सूख गया है। अब लेस को नाप लीजिए यहाँ से रख के, जितना भी लगेगा इस तरह से इसको घुमाते हुए। और इस तरह से चिपका लेंगे इसको। अब ये जो सामने सिलाई दिख रहा है, इसके ऊपर से ऐसे करके इसको कवर कीजिए यहाँ तक, और यहाँ से इसको इस तरह से घुमा लेंगे और फिर इसको यहाँ लाके यहाँ से ऐसे करके चिपका लेंगे। तो ये आपका एक ही लेस में पूरा डेकोरेशन हो जाएगा, या इसके अलावा आप और भी चाहें तो डेकोरेशन कर सकते हैं। ये इस तरह से इसको चिपका लीजिए। फेविकॉल से चिपकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको पकड़ के रखना पड़ेगा।